देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। बचपन से ही मुझे बहुत प्रेशर था। आई वॉज ट्रॉमेटाइज कि यार तू इतनी मोटी है, जिंदगी में क्या कर पाएगी, शादी कौन करेगा तुझसे। जब मैं रास्ते पे चलती थी तो अनजान लोग ऐसे ऐसे हंसते थे मुझ पर। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं चाहती थी कि मैं कुछ अपने लिए करूं। एंड देन आई डिसाइडेड टू लूज वेट। हाय, आई एम जानवी राव, आई एम 34 इयर्स ओल्ड। आई वर्क एज अ वाइस प्रिंसिपल इन अ डिग्री कॉलेज इन मुंबई। 2 years ago, I was 102 kgs and now I'm 58 kilos. Totally, I've lost about 44 kilos. ऐसा हुआ था कि it was not that कि मैंने अभी recently weight gain किया हो। पैदाइशी मोटापे से हुई थी। I was 8.5 pounds. ऊपर से South Indian family में बड़े प्यार से चावल खिलाया जाता था हमें। Sedentary lifestyle, no exercises और plus हम खाते पीते खानदान के होते हैं, इसीलिए मेरा वेट 102 kgs तक पहुंच गया था। बचपन से ही मुझे बहुत प्रेशर था, घर वालों से प्रेशर था, बहन से प्रेशर था कि तुझे पतला होना ही है। आई वॉज ट्रॉमेटाइज कि यार तू इतनी मोटी है, जिंदगी में क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, फिर पापा देखते थे रोज मुझे, शादी नहीं हुई है, इतनी मोटी है, शादी कौन करेगा तुझसे। कहते नहीं थे क्योंकि उनको समझ में आता था कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन उनकी नज़र ही मेरे लिए काफ़ी थी। होता यूँ था कि जब मैं रास्ते पे चलती थी तो अनजान लोग मुझे देखते थे, मुझे बुलाते थे कि यहाँ आइए, आप इतने मोटे कैसे हो, क्या करते हो। मैं तो पहले बड़ी खुश हो जाती थी कि रास्ते पे सारे चलते लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन फिर जब ऐसे मुड़के मैं देखती थी तो ऐसे ऐसे हंसते थे मुझ पर। तब मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग मुझे इसीलिए नहीं देख रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन उनको मैं अजीब लग रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, मैं चाहती थी कि मैं कुछ अपने लिए करूँ। तो बस जिस दिन मुझे लगा मुझे करना चाहिए, उस दिन बस देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड देन आई डिसाइडेड टू लूज वेट। तो चेंज इज़ नेवर बीन ईजी। इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। आई डिलीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई यूज टू ईट, जैसे आई स्टॉप ईटिंग जंक, आई स्टॉप ईटिंग राइस, आई स्टॉप ईटिंग व्हीट, आई स्टॉप ईटिंग शुगर, आई स्टॉप ईटिंग मैदा, आई स्टार्ट ईटिंग ओट्स, आई स्टार्ट ईटिंग बाजरा, आई स्टार्ट ईटिंग चने का आटे का चीला, देन आई स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड विच इंक्लूडेड फ्रूट्स, नट्स, पीनट्स, चना। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई इंक्लूडेड इन माई फूड एंड इट फिल्ड माई स्टमक। तो मुझे उन सारी चीज़ों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस खाने में और वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट मंथ में मैंने 4 kgs लूज किया था। ये 4 kgs लूज करने के बाद मुझे और मोटिवेशन मिला और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। तो सुबह उठकर फर्स्ट थिंग दैट वॉज ए मॉर्निंग रिचुअल, पानी पीने से भी पहले आई यूज टू चेक माई वेट। After that, I used to drink a glass of warm water. Fir, I used to have nuts. That is 4 almonds and 4 walnuts. Post which, I'm a coffee addict. So that was one thing jo maine nahi give up kiya. That was coffee. I used to have a glass of coffee with milk. And then I used to leave for my work. Every day, 9 o'clock, I used to have a lot of options in breakfast. Jo the idli, upma, poha, chila. Chila ya to moong dal ka tha, ya to fir chane ka aate ka tha. इसके अलावा आई यूज़ टू हैव सम काइंड ऑफ स्प्राउट्स इन द मॉर्निंग, और ये सब नहीं तो आई यूज़ टू हैव सम काइंड ऑफ फ्रूट्स इन द मॉर्निंग जस्ट टू किक स्टार्ट माई डे। मिड मॉर्निंग अराउंड 11:30 आई यूज़ टू हैव आइदर अ ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी। देन कम्स लंच 1:32 आई यूज़ टू कीप इट वेरी लाइट। मैं सिर्फ सब्जियाँ खाती थी एंड अगर मैंने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया होता है तो आई यूज़ टू हैव दलिया विद कर्ड समथिंग लाइक दैट इन द आफ्टरनून। देन कम्स द 4:30 PM स्नैक वेयर विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्नैक फॉर मी, क्योंकि मुझे मेरे बॉडी के हिसाब से दैट वॉज माई हंगर टाइम। तो वो हंगर टाइम को किल करने के लिए मेरे पास 2 बढ़िया ऑप्शन थे। एक था मिक्सचर ऑफ पीनट्स एंड चना, एंड सेकेंड आई यूज़ टू बिंज अ लॉट ऑन सूखी भेल without save and only green chutney. One thing that I used to see to it that, and now also I am seeing to it that I have an early dinner. So before 8 is something that I like to finish up my dinner, and dinner is very very light. I don't include any kind of bajra roti or dalia in it. What I have is only sabzi, curd and dal.
So this is what I finished my dinner at 8 p.m. I used to do workouts in three ways. One is cardio training, second one is strength, and third is weight training. On Mondays, I used to do the lower body, basic squatting, wide squats, lunges. Tuesday, I used to focus on the upper body, which was biceps, triceps, and lateral raises, front raises. Wednesday was power yoga and cardio. Thursday was again a mixture of steppers, and I used to do a lot of strength training on Thursday, where we focused on our planks, side planks. Friday was a light day where we used to do HIIT training, that's HIIT workouts, where there was a continuous fast workout schedule. Uske baad weight ek static point pe aa gaya tha, jahan ab mujhe laga I need to do something more, jahan body aur bhi fatafat weight lose kare and body shape mein aaye. So that's when I started doing running in the treadmill, some kind of cycling. 102 to 58 kgs. You know, losing 44 kgs was not an easy task for me. I wouldn't take the credit for myself, because I had a lot of people surrounded by me who helped me, motivated me. I feel excellent, amazing, great. I really feel phenomenal. I'm more confident. Jab I meet people now, I feel that ki nahi yaar, I'm a more happy person than what I was. जब शुरू किया था तब ऐसे लग रहा था कि यार करियर सब कुछ सही है, सिर्फ ये एक चीज़ पटरी पे नहीं है, लेकिन आज ये भी सही हो गया है. सो व्हेन आई लुक एट माय वेट, लाइक 58 केजीज नाउ, इट्स अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर.